नेशनल हाईवे 30 जून 19 से अक्टूबर 22 तक की अगर बात की जाए तो 49 मौतें, 168 लोग ज्यादा गंभीर रूप से घायल, 57 लोगों को कम चोटें आई। ये आंकड़े आरटीआई के तहत निकाले गए हैं जो साफ तौर से दर्शाते हैं नेशनल हाईवे 30 में लगातार एक्सीडेंट की बाढ़ सी आई हुई है। इस मामले को लेकर हमने आरटीआई के तहत ये जानकारी निकालने वाले शिवानंद द्विवेदी से भी बात की थी। नेशनल हाईवे 30 में जून 19 से लेकर अक्टूबर 22 तक की बात की जाए तो अभी तक 49 मौतें हुई हैं, वहीं 225 लोग घायल हुए, जिसमें 57 लोग कम गंभीर रूप से घायल हुए, वहीं ज़्यादा गंभीर 168 लोग हुए। ये आंकड़े आरटीआई के तहत निकाले गए हैं। साफ तौर से माना जा सकता है जिस तरीके से 49 मौतें, 168 गंभीर घायल, ये रोड लगातार काफ़ी एक्सीडेंट दे रही है इन दिनों। शिवानंद द्विवेदी के द्वारा निकाले गए आंकड़े पर नज़र डालने पर साफ तौर से नज़र आ रहा है नेशनल हाईवे 30 मनगवां से लेकर चाकघाट के बीच ज़्यादातर एक्सीडेंट खतरनाक रूप से होते हैं। आंकड़े साफ तौर से बताते हैं नेशनल हाईवे 30 जब से बनी है उस दौरान यहां एक्सीडेंट के मामले कुछ ज़्यादा ही देखने में नज़र आ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन ने इलाके का दौरा किया था, पहाड़ी पर कुछ ज़्यादा ही संकेतक लगाने की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद अगर मनगवां से लेकर चाकघाट के बीच के एक्सीडेंट के मामले पर नज़र डाली जाए तो साफ तौर से नज़र आता है यहाँ एक्सीडेंट घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले दिनों की बात की जाए तो यहाँ कुछ एक्सीडेंट ऐसे हुए जिसको लोग याद नहीं रखना चाहेंगे, जैसे पिछली दिवाली के ठीक पहले धनतेरस के दिन जिसमें बस जाके भिड़ गई थी ट्रक से और काफ़ी मौतें हो गई थी, उसको याद नहीं रखना चाहेगा रीवा जिला। इस तरीके से कई और मामले भी लगातार देखने में नज़र आ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर आरटीआई के तहत ये आंकड़े निकालने वाले शिवानंद द्विवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। रीवा जिले में मनगवां से चाकघाट राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 के विषय में एक आरटीआई लगाई गई थी जो बंसल पाथवेज कंपनी के द्वारा ये सड़क बनाई गई है। पहले दिल्ली बिल्डकॉन के द्वारा बनाई जा रही थी, बाद में बंसल के द्वारा ये सड़क बनाई गई। सुहागी पहाड़ में निरंतर हो रही दुर्घटनाओं के विषय में हमने इसको एक आरटीआई लगाया था और ये जानकारी चाही थी कि इस सड़क के संबंध में जो इनकी तकनीकी रिपोर्ट्स हैं और जो भी इनकी जाँचें हैं, इनका एक्सीडेंटल ऑडिट रिपोर्ट और समय समय पर जो भी इनके निरीक्षण होते रहते हैं उससे संबंधित, तो एक जानकारी में हमें ये पता चला है कि अब तक मनगवां से चाकघाट राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 में सुहागी पहाड़ सहित इन सड़क पर जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें 49 लोगों की मौत इनके द्वारा बताई जा रही है। मतलब इनके डेटा में 49 लोगों की मौत अब तक हुई है और जिसमें से 15 लोग जो दीपावली के आसपास मारे गए थे सुहागी में वो, और 168 गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया, और 225 ऐसे व्यक्ति जो सामान्य से लेकर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो इस तरह से इनका तीन स्तर का इन्होंने डेटा उपलब्ध कराया है। हालांकि इनकी जो ये जानकारी है बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि जो वास्तविक डेटा है उससे कहीं कम है, लेकिन इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस सड़क पर विशेष तौर पर सुहागी का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये जो निरंतर दुर्घटनाएँ हुई हैं उसके विषय में एक डेटा सामने आया है जिससे स्पष्ट होता है कि रोड की गुणवत्ता तो पहले भी सही नहीं थी, जांच रिपोर्ट में भी आ चुका है, और साथ में इसमें काफ़ी सुधार किया जाना था। समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए गए, इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी हैं अधिकारियों की, लेकिन इनके द्वारा कोई इसमें कार्यवाही नहीं की गई है। ये बहुत गंभीर मामला है।